नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे लंच के बाद घी के साथ खाएं बस थोड़ा सा गुड़, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी डेली डाइट का सही से ध्यान नहीं रख पाते हैं। ऐसे में बीमारियों की चपेट में आने का खतरा रहता है। ऐसे में आप इससे बचने के लिए लंच के बाद गुड़ और घी का सेवन कर सकते हैं। गुड़ और घी दोनों ही पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार इस हेल्दी कॉम्बिनेशन का सेवन करके आपकी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ेगी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। तो चलिए जानते हैं इसे खाने का सही तरीका और अन्य फायदों के बारे में। इसका कैसे सेवन करना है। एक चम्मच देसी घी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर लंच के बाद खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हड्डियों को मजबूती आएगी, साथ ही तेजी से शारीरिक और मानसिक विकास होगा। अगर आप इसे लंच में नहीं खाना चाहते तो इसका सेवन डिनर के बाद करें, मगर दोपहर के समय गुड़ और घी खाना दोगुना फायदेमंद होता है। सुपर फूड की तरह करता है काम। गुड़ और घी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें आयुर्वेद में भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन शरीर के लिए सुपर फूड की तरह काम करता है। ऐसे में इससे पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास होने में मदद मिलती है। गुड़ और घी में विटामिन सी, डी, कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। वही घी में विटामिन ए, डी, ई, के, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ऐसे में इसका एक साथ सेवन करने से हड्डियों को पूरा पोषण मिलता है। गुड़ और घी के फायदे। आयुर्वेद अनुसार रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ खाना बेस्ट ऑप्शन है। इससे शरीर को सभी जरूरी तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलते हैं, साथ ही ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। खून बढ़ाए। घी और गुड़ का एक साथ सेवन करने से खून बढ़ने में भी मदद मिलती है। ऐसे में अनीमिया से पीड़ित लोगों को इसका जूस सेवन करना चाहिए। इसे खाने से कमजोरी, थकान दूर होती है। ऐसे में दिन भर एनर्जेटिक महसूस होता है। इम्यूनिटी बढ़ाए। इनका सेवन करने से तेजी से इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसे में मौसमी और अन्य बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कम रहता है। हार्मोन बैलेंस करें। महिलाओं को खासतौर पर इस हेल्दी कॉम्बिनेशन का सेवन करना चाहिए। इससे शरीर में हार्मोन से जुड़ी सभी समस्याएं ठीक होने में मदद मिलेगी। वजन कंट्रोल करें। गुड़ लो फैट सुपर फूड माना जाता है। इसका सेवन करने से बॉडी डिटॉक्स होती है। इससे शरीर में मौजूद गंदगी बाहर निकल जाती है। ऐसे में जमा एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है। ऐसे में मोटापा कम होकर बॉडी शेप में आती है। स्किन और बालों के लिए भी है फायदेमंद। आयुर्वेद अनुसार इसका सेवन स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। यह स्किन और बालों को गहराई से पोषित करता है। इससे स्किन संबंधी समस्याएं दूर होती है। ऐसे में चेहरा साफ, ग्लोइंग और जवान नजर आता है। इसके साथ ही बाल भी सुंदर, घने, काले और मुलायम नजर आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया लंच के बाद घी के साथ खाएं बस थोड़ा सा गुड़, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास जानकारी। आज हमारी खास वीडियो है मुनक्का आपकी सेहत के लिए किस तरह है फायदेमंद। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मुनक्का औषधीय गुणों से भरपूर है। मुनक्का खाने में जितना स्वादिष्ट है उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद भी है। साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। इसमें फाइबर के गुण अधिक पाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं मुनक्के के गुण के बारे में। इसमें ऑक्सीजेलिक एसिड होता है जिससे दांत मजबूत होते हैं। यह गम प्रॉब्लम से बचाने में इफेक्टिव है। मुनक्का में फाइबर होता है जो डाइजेशन ठीक करने में मदद करता है। इसमें आयरन होता है। यह अनीमिया यानी कि खून की कमी दूर करने में फायदेमंद है। मुनक्का खाने से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इससे स्किन भी चमकती है और रंग भी निखरता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। यह हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाने में इफेक्टिव है। इसे खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स दूर होते हैं।
इसे खाने से हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, यह आंखों के लिए फायदेमंद है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, यह ज्वाइंट पेन से बचाने में मदद करता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, यह सर्दी खांसी ठीक करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी फ़ायदेमंद लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी के बारे में जरूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग मिलाकर पिए मिलेंगे गजब के फायदे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। हींग भारतीय रसोई में पाए जाने वाला एक तरह का मसाला है। यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ सेहत को दुरुस्त रखता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हींग की तरह इसका पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है? जी हाँ, हेल्दी रहने के लिए आप हींग का पानी भी पी सकते हैं। चलिए आज हम आपको हींग का पानी पीने के लाजवाब फायदे बताते हैं। हींग में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट आदि पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसे कैसे तैयार करना है। आधा गिलास गुनगुना पानी में दो चुटकी हींग का पाउडर मिलाएं, इसका सोने से पहले सेवन करें। तो चलिए अब जानते हैं हींग का पानी पीने के फायदे। बीपी करे कंट्रोल। हींग में मौजूद पोषक तत्व शरीर में खून के थक्के जमने से रोकता है। हींग का पानी पीने से खून का संचार बेहतर तरीके से होता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहने में मदद मिलती है। इसीलिए बीपी के मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। सिर दर्द से दिलाए आराम। कई लोगों को सिर दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे में हींग का पानी पीना फायदेमंद माना गया है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी गुण सिर दर्द कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह रक्तवाहिकाओं में सूजन को कम करने में भी कारगर होता है। कब्ज से दिलाए राहत। सोने से पहले हींग का पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। इससे अपच, एसिडिटी, गैस, कब्ज आदि की समस्या से राहत मिलती है। खास तौर पर कब्ज की समस्या से इससे छुटकारा मिलता है। ठंड से बचाव। सर्दी का मौसम आने ही वाला है, इस दौरान बीमारियों की चपेट में आने का खतरा अधिक रहता है। मगर आप इससे बचने के लिए हींग का पानी पी सकते हैं। इसके सेवन से ठंड से बचाव रहता है। सांस संबंधी समस्याओं से दिलाए आराम। हींग पानी का सेवन करने से सांस से जुड़ी समस्याओं से भी आराम मिलता है। इम्यूनिटी करे स्ट्रॉन्ग। पोषक तत्वों से भरपूर हींग का पानी इम्यूनिटी तेजी से बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में इसका सेवन करने से बीमारियों की चपेट में आने का खतरा कम रहता है। भूख बढ़ाए। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत होती है, उन्हें हींग का सेवन करना चाहिए। इसके लिए हींग पाउडर को घी में भूनकर अदरक और मक्खन के साथ खाएं, इससे भूख बढ़ने में मदद मिलेगी। दांत में कीड़ा लगने पर क्या करें? दांत पर कीड़ा लगने पर असहनीय दर्द का एहसास होता है। इससे बचने के लिए रात को दांत पर हींग पाउडर लगाकर दबाएं, फिर सो जाएं। इससे कीड़ा बिना किसी परेशानी के अपने आप निकल जाएगा। कांटा लगने पर हींग फायदेमंद। कांटा या कोई नुकीली चीज चुभ जाने पर उस स्थान पर हींग का पानी या लेप बनाकर लगाएं। इससे चुभी हुई चीज आसानी से बाहर निकल जाएगी। इसके साथ ही दर्द का एहसास कम होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया गुनगुने पानी में चुटकी भर हींग मिलाकर पीने के फायदों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।